हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बनाएंगे खोया। वैसे तो ट्रेडिशनली खोया हम मिल्क से बनाते हैं, बट मैं यहाँ मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पैन लेंगे और उसमें मैं डालूँगी घी। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ और इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क यूज़ किया है। ये बॉइल्ड मिल्क है और फिर हम इसे 15 टू 20 सेकेंड स्टर कर लेंगे और आप देखिएगा थोड़ी देर में ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। हम लोग पहले 2 बड़े चम्मच से स्टार्ट करेंगे ऐड करना और फिर हम मिल्क को चलाएंगे, फिर 2 बड़े चम्मच डालेंगे और फिर उसे चलाएंगे। हम एक बार में सारा नहीं डालेंगे। और ओवरऑल टोटल मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है, यानी 2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क एंड 2 बिग स्पून ऑफ घी। और अब इसे हम इस तरीके से स्टिर करते रहेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। और याद रखिए कि आप इस टाइम पे फ्लेम जो है हमेशा लो पे रखें। दूध जैसे ही बॉयल आ जाए बट उसके बाद जैसे आप मिल्क पाउडर डालेंगे वैसे ही आप जो है फ्लेम को लो कर ले, नहीं तो हमारा ये जो खोया है इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा या तो बर्न होने का भी चांसेस रहेगा, इसलिए हमेशा सेफ साइड में बनाएं। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि ये अपने आप सूख जाएगा और ये एकदम से पैन को छोड़ देगा और हमारा खोया अलग से आ जाएगा। अब बस हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मिल्क पाउडर का खोया बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से बन गया है। ये बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है। अगर आप इस खोए को खाइएगा तो ये रियल खोया जो हमारे मिल्क से बनते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, गुलाब जामुन में यूज़ कर सकते हैं या कहीं भी जहाँ भी आपको मावा का यूज़ हो आप वहाँ इसे यूज़ करके आराम से खोया का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये खोया परफेक्ट है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरा ये इजी रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।